फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली इज एड्रेसिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेट्स क्रॉस लाइव। बड़े गर्व के साथ कहती है कि जो भरोसा और जो विश्वास लोगों ने 2014 के चुनाव में नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो व्यक्त किया था, एक साल के बाद वो भरोसा और विश्वास और मजबूत हुआ है। इन्हीं सब तथ्यों पर पहले क्या था आज क्या है, देश के वरिष्ठ, भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री, वित्त मंत्री आदरणीय अरुण जेटली साहब इस पूरे विषय पर आपके सामने अपनी बात रखेंगे। और पूरे देश भर में संगठन पर्व भारतीय जनता पार्टी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अमित भाई शाह जी के नेतृत्व में इस पूरे एक वर्ष के कार्यकाल के रूप में 25-26 मई से 1 मई तक जन कल्याण पर्व हमारा संगठन मना रहा है। उसमें कौन कौन नेता कहाँ कहाँ जाएंगे, हमारे कार्यक्रम क्या रहेंगे, उसके बारे में विस्तृत रूप से हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, वर्तमान में मोदी सरकार में मंत्री श्रीमान अनंत कुमार जी उस विषय को रखेंगे। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय अनंत कुमार जी को कि वो जो संगठन के जो कार्यक्रम है पूरे देश भर में कहाँ कहाँ क्या क्या वो रहेगा उसकी जानकारी विस्तृत रूप से आपको दें। मित्रों, छब्बीस मई नरेंद्र मोदी नेतृत्व के भारत सरकार के सालगिरह है और ये प्रथम वर्ष को भारतीय जनता पार्टी पूरा देश भर में जन कल्याण पर्व के नाम पर हम मनाने वाले हैं। 26 मई से 31 मई तक पूरा देश भर में जनसभाएं होंगे, पत्रकार वार्ताएं करेंगे और जगह जगह पर हमने जो कई शुरुआत किए हैं, साल एक शुरुआत अनेक, ऐसे कई शुरुआत हमने किए हैं, इसके बारे में प्रदर्शनी भी लगाएंगे और बैंकों के और इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा जन कल्याण हेतु जो जन सुरक्षा के बीमा और पेंशन योजना हमने लागू किया है उसके लिए हितग्राहियों के लिए मेला भी लगाएंगे। मित्रों, 25 मई यानी पूर्व संध्या पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मस्थान दीनदयाल ग्राम जो मथुरा में है वहाँ एक विशाल रैली होगी, जनसभा होगी और 26 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी विज्ञान भवन में हमारे स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार एक किसान चैनल, उस किसान चैनल का लोकार्पण करेंगे। किसान चैनल शुरू होगा, उस किसान चैनल में 24/7 जो कृषि और किसान संबंधी विषय है उसका टेलीकास्ट होते रहेंगे और पूरा देश भर के किसानों के लिए जो विषय चाहिए वो ये किसान चैनल उपलब्ध कराएगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी 25 मई सुबह 10 बजे इस जन कल्याण पर्व के उपरांत आप सबके साथ एक पत्रकार वार्ता करेंगे। 26 को एक और 26 शाम को करनाल में वो रैली करने वाले हैं और 27 को 26
26 तारीख को सुबह 10 बजे इसी हॉल में उनका पत्रकार वार्ता होगी और दोपहर 12 बजे करनाल में वो एक विराट रैली संबोधित करने वाले हैं और 27 को 5 बजे सूरत में उनका जनसभा है और 28 को वो पणजी में कार्यक्रम करने वाले हैं। मित्रों, हमारे केंद्र सरकार के सभी मंत्री, केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ हमारे सभी सांसद, प्रदेशों के मुख्यमंत्री, प्रदेशों के मंत्री, प्रदेशों के सभी विधायक और केंद्र के पदाधिकारी, हर प्रदेश के पदाधिकारी सब मिला करके देश भर में हम 200 बड़े रैलियां और 5000 जनसभाएं करने वाले, यानी हर देश भर के हर प्रदेश के मुख्यालय में, संभाग केंद्र में, जिला मुख्यालयों में, तहसील केंद्र तक इस जनकल्याण पर्व के जनसभाएं हम करेंगे और मोदी सरकार के इनिशिएटिव्स के बारे में, उपलब्धियों के बारे में जनता को बताएंगे और उसके साथ हम जो योजनाएं बनाए हैं उसके बारे में उनको उजागर करते हुए उसमें भागीदारी के लिए और साथ देने के लिए उनको आह्वान देंगे। 200 स्थानों पर हम पत्रकार वार्ता भी करने वाले हैं और 500 स्थानों पर हम प्रदर्शनियां लगाएंगे और 340 वैन के द्वारा इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री 20,000 स्थानों पर वीडियो के मुखांतर द्वारा और छोटे प्रदर्शनियों के द्वारा जनता के सामने ये सभी कार्यक्रम हम रखने वाले हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा देश के सभी विश्वविद्यालयों में वहाँ के छात्र और युवा के बीच में इन विषयों के उपलब्धियों के बारे में लेके जाने के लिए हम युवा संवाद आयोजन करने वाले हैं और हमारे सभी नेता, हमारे सभी माननीय केंद्रीय मंत्री देश भर में बड़े बड़े रैलियां भी करने वाले हैं और हर केंद्रीय मंत्री 3 दिन समय देंगे, उस 3 दिन में 3 रैलियां करेंगे, 3 पत्रकार वार्ता करेंगे और उसके साथ जो पार्टी ने महासंपर्क अभियान का ऐलान किया है उस महासंपर्क अभियान में मोदी सरकार के उपलब्धियों के बारे में करपत्र लेकर के हर दिन 10-10 घरों पे भी जाएंगे। ऐसे एक व्यापक तरीके का कार्यक्रम पार्टी ने तय किया है। मैं निवेदन करूंगा, माननीय अरुण जी हमें संबोधित करें। नहीं नहीं, क्या है, हमारे केंद्रीय मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री ये बड़ी रैलियां करेंगे लेकिन हमारे सांसद, हमारे विधायक वो सारे मिलकर के और उसके साथ हमारे प्रदेश स्तर के, जिला स्तर के, मंडल स्तर के पदाधिकारी ये सब हर तहसील से लेकर के ऊपर के हर जगह पर रैली, छोटे 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 बड़े सभाएं करेंगे, वो कुल मिला करके 5,000 हो जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, जैसे उसके बाद नहीं, उसके बाद सवाल लेंगे आपके, जो भी क्लेरिफिकेशन है
जो भी क्लेरिफिकेशन है इसकी बात करेंगे। आई रिक्वेस्ट माननीय अरुण जेटली जी टू एड्रेस ऑल ऑफ अस, वी विल टेक द क्वेश्चंस लेटर, थैंक यू। पिछला एक वर्ष भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐतिहासिक रहा है। इतिहास में पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और सहयोगियों को साथ लेकर तो बहुमत और भी ज्यादा था। सरकार ने अपना पहला वर्ष संपन्न किया है। इस वर्ष में केंद्र सरकार बनने के साथ साथ राज्यों में भी पार्टी की ताकत खूब बढ़ी है। झारखंड में, हरियाणा में हमने अपनी ताकत के साथ सरकार बनाई। महाराष्ट्र में भी हम अपनी सर्वाधिक ताकत पर पहुंचे और अपने सहयोगी के साथ सरकार बनाई। जम्मू कश्मीर चौथा प्रांत था जहां हम हिस्टोरिकली सबसे अधिक सीट्स जीते और पीडीपी के साथ पहली बार जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी।